Hello guys, welcome back to my channel. I am your Shilpa Chaudhary and I hope you all are doing well and staying safe. तो जैसे ही हम चंडीगढ़ से यहाँ वापस आए तो हमें मिला एक और सरप्राइज, क्योंकि सिमरन और पूजा हमारे घर पे आया और मैं इतनी हैप्पी हो गई, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ से यहाँ पर आई थी मेरा मन नहीं लग रहा था और इन लोगों ने मुझे ऐसा सरप्राइज दिया कि सरप्राइज के पीछे की स्टोरी भी बता दूंगी, लेकिन वो एंड में बताऊंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को हंसी आएगी। तो अभी हम जा रहे हैं सिमरन और पूजा का मेकओवर कराने। अनु भी हमें ज्वाइन करेगी, काजल भी करेंगी, तो ज्वाइन तो ऐसे करेंगी कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो सिमरन है आपने देखा था उसके भी काफ़ी लॉन्ग हेयर हैं, तो उसको हिम्मत आ गई मुझे देखकर कि दी जैसे आपके थोड़े से बालों में चेंजेस हुए हैं, मुझे भी कुछ कुछ थोड़े कराने हैं, लाइक बहुत हैवी हैं ये, मैं कुछ हेयर स्टाइल नहीं बना पाती हूँ, सेम उसकी सेम प्रॉब्लम है। तो आज हम कराएंगे सिमरन का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन और जो पूजा है वो भी ब्रेड्स वगैरह कराएंगे। मतलब सबका मन हो ही जाता है यार आपस में फ्रेंड्स का देख के अगर अच्छा लगता है तो। उसी के साथ साथ थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है, तो हम सिमरन को ये नहीं बताएंगे कि उसके साथ हम प्रैंक कर रहे हैं। तो वो अपने लॉन्ग हेयर को लेकर इतनी 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 ज़्यादा सीरियस है ना, मतलब एक होता है ना कभी कुछ कराया नहीं होता तो बंदे को लगता है कि अगर मैंने ये करा लिया तो ये हो जाएगा, ये करा लिया तो ये हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी उसको ऐसे बोला कि देख मेरे भी तो तेरे सामने है ना, मैंने तो हेयर कट जान कर लिया है, क्योंकि मेरे भी तेरी तरह थे तो मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बना पाती थी। तो हम उसको इतना डरा देंगे कि तेरा हेयर कलर ख़राब हो गया, तेरे बाल खराब हो गए हैं, तेरे बाल उन्होंने काट दिया, मतलब फिर मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि वो क्या मतलब उस टाइम पर रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसके लिए उसके लॉन्ग हेयर बहुत प्यारे हैं, सबके लिए ही होते हैं, मेरे लिए भी हैं भाई, लेकिन उसका फर्स्ट टाइम है ना, तो हम उसको पूरा डरा देंगे कि सिमरन तेरे बाल खराब हो गए, अब कुछ हो नहीं सकता और हम सॉरी, और मैं थोड़ी एक्टिंग करूंगी रोने की कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसे गलत हेयर कलर सजेस्ट कर दिया तेरे को, ये वो ऐसे करके एग्जीक्यूट करेंगे। और बाकी आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, वो जैसे ही रेडी होकर आएंगे तो फिर अपना शुरू करते हैं। गाइस ये लोग रेडी होकर आ गए हैं, हेलो, अपने लॉन्ग हेयर दिखा दो। तो आज आप एक्साइटेड हैं? बहुत बहुत एक्साइटेड है। तो चलो कराते हैं आज सिमरन का ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको क्या कराना है? ब्रेड्स। ब्रेड्स, तो चलो वहीं जाकर मिलते हैं। हे वोफो, बाय बाय, बाय साहिल, बाय 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 बाय, इन बालों को ठीक कर लो आप, इन बालों को ठीक। आ गाइस, मेरे पैर का नेल तोड़ दिया साहिल ने। कह रही हूँ ये इतना प्रोडक्ट ले चुके हैं जितना 10 लोगों का कलर हो सकता है। पूरा भर दिया है भाई, तेरा प्रोडक्ट रेडी है, तू इतना क्यों डर रही है यार? देख मेरे को बहुत प्यार है अपने बालों से और मैं नील रिस्क लेना चाहती हूँ। ओह ओके ओके, तेरे बाल नहीं होंगे खराब यार, हम बोल रहे हैं ना। मेरे को लग रहा है कि मतलब अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा मेरे टाइम पे भी यही हुआ था। गौरव ये बैक कॉम क्यों कर रहे हैं? बैक कॉमिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमको रूट से थोड़ा दूर रखना है केमिकल ना, ताकि उसने भी किया था ऐसे जिससे पहले कराया था। नहीं पूछ रही हूँ, अरे मुझे आदत पड़ गई है, ये ले लो चॉकलेट में। नहीं, साहिल तो हमने कर लिया है कलर चूज और बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, तो आप बताओ सही लगेगा ना? सही लगेगा। अरे बहुत डर रही थी, पता है उसका हाथ पकड़ के बैठ गई थी पूजा का ना, वो वाला कलर चूज किया क्या आपने? मतलब हम वो कलर था ही नहीं तो हम कंफ्यूज हो गए यार सिमरन, हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है पर सक्सेसफुल हो जाएगा शायद। यार तू पहले ही मत बोलना, मतलब हो जाएगा। बस में से चढ़ी हुई थी पर मैं बस चली गई और मैं यही रुकी हुई, क्या आपको मैं बस में से देखा? अच्छा अभी चलती बस में से तो नहीं कूदे? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। सो गाइस मैं अभी गई थी साहिल के लिए केक लेने 6 Days to Go वाला, लेकिन मुझे रास्ते में साहिल मिल गए। मैं था मुझे सरप्राइज देना है, पर चलो केक अंदर से तो नहीं देखा ना, साहिल ने डब्बा ही देखा, कहते ये क्या है, मैंने कहा मेरा मन था कुछ खाने का तो मैं ले आई हूँ अपने लिए, और तब से यहीं बैठे हैं कि मुझे देखना है क्या था। तो घर जाके आप सबको भी दिखाऊंगी और अभी सिमरन से पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है। काजल भी आ गए हैं, कह
कैसा लग रहा है? अब डर लग रहा है, इतना क्यों डर रही है? ये अब ये दिख रहा है मेरे को। मैंने कहा था ना हमसे थोड़ा जो कलर है ना गलत चूज हो गया, अभी जब वॉश होगा उसके बाद ही पता लगेगा। तो बस यार, अरे मतलब नहीं सेम कलर मिल रहा था तो हमने मिक्स मिक्स करके कुछ कर दिया है। हाँ दीदी मजाक नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ पर हमें फिंगर क्रॉस्ड की सही हो जाएगा, जब वॉश होगा ना तभी पता लगेगा। ठीक है एक मिनट यार, रुक जा, ये क्या हो गया? सिमरन वो कुछ बोल रहे हैं। बे यार ये इनको बोला था 20 से मिलाने के लिए। प्रोडक्ट किसने बनाया था? राहुल ने बनाया, तूने बनाया था प्रोडक्ट? मैंने नहीं बनाया। गलत हो गया, क्या गलत हो गया? अरे कलर गलत हो गया। अभी सही हो जाएगा। गड़बड़ हो गया? नहीं हो जाएगा, हाँ। सही हो जाएगा। भैया मेरे को मेरे बाल, मेरे पापा मार डालेंगे मुझे। तेरे को तो बोला था 30 से बना, 20 से क्यों बना दी तूने? अरे सही हो जाएगा यार, अबे रोइयो मत। आपकी वजह से आई थी। अबे रो मत, सही हो जाएगा, हो जाएगा ना गौरव भैया, सही अभी सही कर देंगे, अभी देख सही कर देंगे। अबे हम सही कर, अबे रो, हाँ सही ले लेना एक बार। कौन सी सारी बॉयज बोल रही है? ऊपर वाली रोक दी। अबे नहीं खराब होंगे, बार बार बताता हूँ यार, मेरी बात देख। मैं ब्लॉग भी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी मत बनाओ ब्लॉग। अबे अच्छा चुप तो हो जा, मैम कर दूंगा मैं, ठीक है ब्रो भी हो। मैम सीरियसली सही हो जाएगा, बस थोड़ा 3 घंटे बाद। तेरे टाइम पे अपने बाल संभाल के, पर आप डर क्यों ना, आपके बाल थोड़ी ना नहीं जा रहे। हाँ बाल तो है, छोड़ दो आप। मैं निकाल ही रहा हूँ प्रोडक्ट, मैम जल्दी जल्दी निकाल, पानी डाल इसके ऊपर। मुझे हंसी पता है क्यों आ रही है, क्योंकि तुझे बाल ही तो है यार, ठीक हो जाएंगे। बाल ही तो है दीदी, बाल बहुत जरूरी होते हैं। नहीं बाल मैं ज्यादा नहीं, थोड़े से काटने पड़ेंगे, थोड़े काटने पड़ेंगे। मैम एक सेकंड आगे मत जाओ, बाल खराब हो जाएंगे। दीदी मेरे को हटा दो, ये सब मैं जा रही हूँ। हटा रहा हूँ, प्रैंक था, प्रैंक था भाई, प्रैंक था सिमरन। वो देख क्या देते हो। सुन मैं ठीक कर रहा, प्रैंक था, प्रैंक था। टोटे टोटे कर देंगे, कह रही है मेरे पापा मेरे टोटे टोटे कर देंगे। प्रैंक था, प्रैंक था, प्रैंक था। आप देख कितना अच्छा कलर होता है। हाँ पक्का, मुझे कोई बताएगा मेरा कौन सा है? उसको रुला कर आप यही कर रहे हो यार, मुझे क्या पता था रो पड़ेगी। मैं तो सोच रही थी, हमेशा मेरे साथ यही होता है, अच्छे से प्लान चल ही नहीं पाता, थोड़ी देर में मुझे बताना पड़ जाता है। पार्टी कर रहे हैं हम। सो गाइस जैसे कि आपने देखा अभी भी ना उसके हेयर पे कलर हो ही रहा है, क्योंकि उसको था कि अच्छे से ही होना है, तो भैया ने बोला देखो टाइम तो लगेगा। तो अभी हमें और भी एक दो फ्रेंड्स आने वाली हैं घर पे, तो हम कुछ खाने पीने का सामान लेने जा रहे हैं ताकि शॉप्स वगैरह क्लोज ना हो जाएं। वैसे ही 10:30 हो गए हैं, और जैसे कि मैंने ट्राई किया था प्रैंक करने का, रोने ही लग गई। कहती पता क्या बोल रही थी, मेरे पापा मेरे टोटे टोटे कर देंगे। रोने मुझे हुआ, अगर ज्यादा रोएगी, क्योंकि वो ना अग्रेसिव से भी हो गई थी। उसने उनको बोला छोड़ दो मेरे बालों को, आप हटा दो, ये सब क्या किया है आपने। वो यार थोड़े सब और भी लोग बैठे थे, तो इस प्रैंक को ज्यादा नहीं खींचते हैं, इसको यहीं ऐसे इसको बता देती हूँ प्रैंक है। तो फिर बस यही होता है मेरे साथ। अभी कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं, उसके बाद 6 days to go। साहिल हैप्पी बर्थडे। अभी मैं साहिल के लिए केक लेकर आई हूँ, केक कटिंग भी करेंगे, सबको खिलाएंगे। जिस दिन 7 होगा उसी दिन मिलेगा ना, अभी तो 6 days to go वाला हुआ है, अभी 5 days है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 फिर बर्थडे। ओ मैं तब भी आती हूँ, मुझे एक शादी जरूर दिखती है। शादी में लोग ऐसे नाचते हैं, ऐसे नाचते हैं कि मेरे को किसी की एक बात याद आ जाती है कि ये पता क्यों नाचते हैं। हाँ। इनको मजा आता है कि यार अभी शादी के बाद ये भी देखो, कहते हैं ना शादी का लड्डू खाया
तो वो भी बुरा नहीं तो बचता है ना खाए तो बचता है। हाँ मेरे को पता नहीं था, पता क्या रहता है कि ओ भाई एक यार की शादी हो गया बोले। तो मैं भी आप सबको भी एक सरप्राइज देने वाला हूँ। क्या सरप्राइज है? जैसे जिस दिन मेरा बर्थडे होगा ना, हाँ, उस दिन से मैं एक चैलेंज लेने वाला हूँ। नाइस, अपने आपको खुद ही गिफ्ट दे रहे हैं साहिल, तो वो आपको इन्हीं के ब्लॉग में पता लगेगा। हाँ, बाकी चलते हैं यार, अभी मुझे लग रहा है सारी शॉप्स क्लोज हो गई हैं। नहीं क्यों, हमारे काम ऐसे सारे कुछ भी टाइम से करते ही नहीं है हम लोग। फाइनल लुक अपना अभी फाइनल नहीं है। हाँ पर वैसे कलर बहुत सुंदर आया है। नाइस, अब तू पार्टी देगी। ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि 7th मई को है साहिल का बर्थडे, तो हम अभी से ही काउंटडाउन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं साहिल के लिए लेकर आई थी 6 डेज टू गो साहिल। केक दिखा दे गाजन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अभी 6 दिन रहते हैं गाइस, अभी 6 दिन रहते हैं। नहीं कहेगा यार। अरे वो मूफी से ना सब डर रहे हैं थोड़ा सा। इसके अंदर स्पून है। हाँ। So guys, जैसे इन सबको पता लगा कि घर में केक कटने वाला है, वीडियो चालू हो गई है, तो सब बैठ गए। नहीं नहीं, जैसे ही केक कटने वाला है और सब में बटने वाला है, तो शांत बैठ गए हैं वूफी की तरह। चलो अब केक खाते हैं। चल यार, चल क्या डांस है।